नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल में और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज पुण्यतिथि है। भारत के विस्मर्क और लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार पटेल 565 रियासतों के विलय के लिए जाने जाते हैं। इसको लेकर अक्सर ही कहा जाता है कि वो कश्मीर के मुद्दे को भी हैंडल करते तो शायद जो आज स्थिति है वो पहले भी नहीं होती या कभी भी वो स्थिति उत्पन्न नहीं हुई होती। खास तौर पर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी अक्सर लौह पुरुष की विरासत से खुद को जोड़ते रहे हैं और उनका जिक्र कर पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को कश्मीरी समस्या को लेकर जिम्मेदार भी ठहराते आए हैं हालांकि कश्मीर के मसले को लेकर सरदार पटेल की क्या राय थी इसका जिक्र कम ही होता है। भारत की आजादी की लड़ाई और स्वतंत्रता के बाद समूचे देश को एकजुट करने की योजना को हम सब याद करते हैं या यूं कहें कि उनका अहम योगदान भी रहा है। वर्ष 1991 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके जीवन में पूरे देश को समर्पित कर दिया था या यूं कहें कि उन्होंने अपने उम्र के उन 75 सालों को देश के लिए पूरी तरीके से समर्पित कर दिया था जो आजादी से पहले हो और आजादी के बाद। उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुआ था जब वो 75 वर्ष के थे। आजादी के बाद जब हैदराबाद और जूनागढ़ में भारत में मिलने से लेकर मना कर दिया था इसके पीछे पाकिस्तान और मोहम्मद अली जिन्ना की चाल थी, लेकिन हैदराबाद में सरदार पटेल ने सेना भेजकर वहां के निजाम का आत्मसमर्पण करवा ही दिया। जूनागढ़ में जनता के विरोध से घबराकर वहां के नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया। इसी तरह भोपाल के नवाब ने भी यही किया था। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान ने भी शर्त रख दी कि वो या तो आजाद रहेंगे या पाकिस्तान में मिल जाएंगे। इसके बाद सरदार पटेल की वजह से भोपाल के नवाब ने हार मान ली। 15 दिसंबर 1950 की सुबह 3 बजे पटेल को दिल का दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो गए। 4 घंटों बाद उन्हें थोड़ा सा होश आया, उन्होंने पानी मांगा। मणिबेन ने उन्हें गंगा जल में शहद मिलाकर चम्मच से पिलाया। रात 9:47 पर सरदार पटेल ने अपनी आखिरी सांसें ली। ये थी उनकी जीवनी। अब हम बात करते हैं उनके मरणोपरांत आज पूरे देश में उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर सरदार पटेल के इस पुण्यतिथि पर कहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर नमन। उनकी महान सेवा, उनके प्रशासनिक कौशल और हमारे राष्ट्र को एकजुट करने की अथक प्रयासों के लिए भारत हमेशा उनका आभारी रहेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल को। धन्यवाद।